मिंटू जी, खबरां दे वल आईए ते शुरुआत करिए उन्हां लोकां तों जिन्हां दी सरकारां दे विच चंगी पैठ है। सुणदे हां कि डेरा मुखी राम रहीम एक वारी फिर जेल दे विचों बाहर आ सकदा है। देखो जेल दे विच हुण जाणा वी इहने कादा है, जेल ते रह गई ना दी, जेल दे विच जांदा है ते अपनी शकल दिखा के आ जांदा है। अजे कुछ दिन पहला ते इत्थों गया चंगे लाइव लूव करके ते पूरे उत्थे तमाशे जिदा करदा आ, तां हुण फिर कहिंदे कि 25 जनवरी नूं आउण वास्ते उहने जिहड़ी अर्जी है ओह भेज दित्ती है। इह गल इह आ कि भई हुण जदों जिवें तुसीं सारा कुछ हाथी दे पैर दे विच ही समा दित्ता है कि जिन्हां दीआं सरकारां जी, ते बस उही है। हुण गल इह आ कि देखो जदों ऑनलाइन सत्संग होया सीगा भाजपा वाले ते उत्थे ऑनलाइन खलोते सन, ओह ते हाथ जोड़ी खलोते आ जी। भाजपा वालिआं दा ते इक मंत्री इहदी सजा होई है जदों, हां जी, ओह तों कुछ दिन पहला जाके ते इहनूं डंडौत करदा पिआ सीगा, डंडौत वंदना जिंदवाने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इस करके यह सारा कुछ जिहड़ा है बड़ा क्लीयर कट है। वैसे जदों इहनूं लिआंदा सी गेड़े एक दो दबाए, हाँ जी, असां उदों वी आख्या सीगा कि एवें मीडिया वाले तुहानूं एवें होर गल्लां च लई फिरदे, इहदी दाढ़ी काली नहीं करन लई दित्ता इन्हां ने, कुछ ये हो गया वो हो गया, बई सारा कुछ होया है जां तुहाडे सामने हुण देख लो जी। बाकी जिहड़ी गल आ कि हुण अगां इलैक्शन आ, उत्थे हौली हौली इलैक्शन नेड़े आउंदा पिआ सरकार, तुहानूं पता 2024 उस तों बाद फिर हरियाणे दा इलैक्शन, ते इह आ कि पंचायती इलैक्शन अगे लंघ के गया, उदों वी इहने तुसीं वेख्या होणा शरेआम कहा सीगा हाँ जी कि भाई अपनी मर्जी नहीं करनी, ओहदे च सारा कुछ छुपिआ सी, जी जी, छुपिआ कि ओहदे विच क्लीयर है। सो इह हुण जदों सियासी हित जुड़ जांदे आ तां फिर कौण भाई की कर सकदा। हालांकि मामला हाई कोर्ट वी गिआ पर मैनूं लगदा कि सुप्रीम कोर्ट च मामला जाणा चाहीदा, ते जे कोई धिर इहनूं लिजावे ते चंगी तरां उत्थे दलीलां जिहड़ियां उह दे के ते दस्सिआ जाणा चाहीदा कि इक बंदा जदों आ जांदा है हाँ जी, जिहदे ते इन्ने संगीन केस ने, उह सारे रंग तमाशे वी करदा, लाइव वी हुंदा, उह वोटां नूं वी प्रभावित कर जांदा, जदके इक कोई महत्तर सधारण कैदी, अज ही इक रिपोर्ट जिहड़ी है उह मैं पढ़दा पिआ सां कि किन्ने कैदी ने, हजारां ही कैदी ने इंडिया दीआं जेलां दे विच जिहड़े बई गल इह आ कि बहुत ज्यादा गरीब ने अते मुफलस ने, ते उह की कर रहे ने कि जमानत होई आ जी, पर उहनां दी जमानत भराउण वाला कोई जमानतदारी है नहीं गा। हुण तुसीं देखो एक पासे ते उह है जिहड़े 8-8 साल तों 7-7 साल तों 5-5 साल तों जमानत मंजूर हुई है, जेल च बैठे है क्योंकि जमानत भराउण वाले नहीं हैगा, कोई हैगा नहीं, बेल पाउण दा ही बंदोबस्त नहीं जी। इह आ ते वेख लो इन्ने मुकदमे इन्या चो सजा, सजा का दी मजा जांदा है आउंदा है जांदा आउंदा, हुण फिर मिल जाएगी प्रोल मिल जाएगी, कोई वड्डी गल नहीं है जी, कोई वड्डी गल नहीं है। पर इह बहस दवार तों होणी चाहीदी है कि इक कैदी जदों वी आउंदा है, प्रवीण जी तुहाडी जानकारी वास्ते दस देवां, हां जी हां जी, कि जिहड़ा बंदा पैरोल ते आउंदा है उहदी इन्नी ज्यादा हवा टाइट कीती हुंदी है इहनां ने कि उह बंदा मतलब कि इधर उधर माड़ा मोटा भी नहीं जा सकदा, उहदे ते इन्नीआं ज्यादा शर्तां हुंदीआं, अगला डरदा घरों बाहर नहीं निकलता छेती खीत्या कि भाई कल नूं किसे ने एंटी पार्टी ने उह ही दरखास्त दे दित्ती ना मेरी छुट्टी बंद हो जाएगी, इन्नीआं ज्यादा शर्तां हुंदीआं ने पैरोल दीआं। सो इह है कि हुण चलती का नाम गाड़ी है भाई, चली जांदी है जिन्हां दी चलदी है। सो इह भद्दा मजाक आ डेमोक्रेसी दे विच कि जी पैरोल दा राइट है, बिलकुल राइट है, पर पैरोल देण दा राइट किहदे कोल है, सवाल इह आ कि जिहड़े रैट बन के ते इहदा दाणा चुगदे ने, राइट तां उहनां दे कोल आ। सो गल किहदे कोल हक है ओह वेखणा चाहीदा ना कि मंजूर किहने करनी है। पैरोल दा हक है, पैरोल तां हरेक बंदा अपलाई कर सकदा है, पर देण दा हक किहदे कोल आ। सो इह मजाक आ, मजाक चलदा पिआ, तुसीं वी इस मजाक नूं चलदे नूं वेख सकदे हो भाई।